से सूरत में जो घटना हुई कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और जो ऐसी जगह जहां पब्लिक अपने आप इकट्ठा होती है, भीड़ में लोग रहते हैं, वहां आग लगने से क्या दुर्घटना हो सकती है, ये सूरत में लोगों ने देखा है। इसलिए रायपुर पश्चिम विधानसभा में हम लोगों ने फायर एक्सपर्ट्स जो छत्तीसगढ़ से माने जाने लोग हैं, मोइन भाई हैं, उनकी पूरी टीम है, जिनको हम लोगों ने निवेदन करके रायपुर में पश्चिम विधानसभा, क्योंकि एक एजुकेशनल हब है और बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले जाकर कैसे फायर से हम बच सकते हैं, तत्काल अगर कहीं आग लग जाती है, फायर सेफ्टी नहीं है, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, उसको लेकर हम लोगों ने उनके व्यू, उनके सुझाव और जो उनका अनुभव है उसको स्टूडेंट के बीच में रखा है और अपनी बातों को रखा। लगातार पूरे पश्चिम विधानसभा में अलग अलग जगह, चाहे वो मॉल हो, बाजार हो, सब जगह हम जो फायर एक्सपर्ट्स हैं उनको ले जाकर इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं, ताकि सूरत की जैसी घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं मत दोहराई जाए। जिस प्रकार से लोग अगर अवेयर हो गए, लोग अगर हिम्मत नहीं हारेंगे, लोग अगर डटे रहेंगे, तो हम बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं, सूरत जैसी घटना वापस कहीं नहीं होगी। इसीलिए आज ये पूरा जो अवेयरनेस प्रोग्राम फायर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हम लोगों ने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में किया है। तो लोग 200 जगह हो गए, कहीं इंडिविजुअल जगह आग लग गई मान लीजिए, तो आप लोगों को अवेयर करके बचा सकते हैं। लोगों के पास सूरत में वीडियो बनाने का समय था, लेकिन लोग अगर हाथ खड़ा करके, 100 आदमी हाथ खड़ा करके वहां खड़े हो जाते ना, तो ऊपर से गिरने वाले का फोर्स कम होता, उसका हाथ पैर टूटता, जान नहीं जाती। ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब आप ये मत समझना कि मैं मंच में खड़े होकर बोल रहा हूँ, मैं आग लगती है, ये साथ में खड़े हैं, मैं अंदर जाता हूँ, हम अवेयर होंगे, हम अगर हिम्मत रखेंगे तो हमारे साथ वाला हिम्मत रखेगा। ये अभी एक महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको, ये रामनगर में ट्रांसफार्मर में आग लगी, लगातार बस वहां पर पार्किंग होती है, मैं खुद चलाकर बस को वहां पार्किंग कर रहा हूँ, तो कम से कम 4 बस चली थी, 20 बस चलती। हम अगर हिम्मत हारेंगे, अगर हम ताकत नहीं रखेंगे, हम डरेंगे, तो जरूर जान जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। वो जो घटना है वो हम सब लोगों को जागरूक करने के लिए वो घटना है, वो घटना भगवान कहीं दुनिया में मत कराए, किसी के लिए भी मत कराए, मतलब बहुत दुख है, ये किसी ने बोला नहीं है इस कार्यक्रम को करने के लिए। ये हमारी इच्छा है कि आप और हम अगर अवेयर हो जाएंगे तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं, अपने साथ अपनी जान तो बचाएंगे, लेकिन लोगों की जान बचाएंगे। रोज आग लग रही है रायपुर में, मैंने रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके इनको बुलाया है, इनका अपना अनुभव है, ये सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं, सैकड़ों बिल्डिंग अपार्टमेंट जहां आग नहीं घुस सकती है वहां पर भी बुझाने का काम ये तमाम हमारे साथियों ने किया है। इसीलिए अभी इसका डेमो भी एक नीचे आपसे 10 मिनट समय और चाहिए, जो डेमो है ना, जैसे गैस, घर की गैस लीक होती है, कैसे आग लगती है, उसको कैसे बुझा सकते हैं, मैं भी नहीं जानता। आराम से कॉन्फिडेंस के साथ करना है ना।